दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रहलाद प्रसाद, जनरल फिजिशियन। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हो कि मैं अपने दर्शकों के लिए प्रतिदिन कोई ना कोई नए नए तरीके, नए नए आइडिया, नए नए जानकारी, रोगों के लिए कई तरह तरह के नई विधि दवाइयाँ आप लोगों के लिए मैं लाता रहता हूँ। आप लोग के लिए आज मैंने लाया है एक बहुत ही अति महत्वपूर्ण चीज़ लाया हूँ मैं, जो बहुत ही काम का चीज़ है, बहुत ही लाभदायक चीज़ है। आज के वीडियो का नाम है ऊर्जा बचाने का अचूक मंत्र। ऊर्जा जो ताकत होती है ना, शारीरिक ताकत, शरीर की ऊर्जा, या शारीरिक ऊर्जा हो या मानसिक ऊर्जा हो या आत्मिक ऊर्जा हो, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक, ये तीनों ऊर्जाएं अलग अलग होती है, लेकिन इन तीनों ऊर्जाओं को बचाने का अचूक मंत्र, अचूक आप लोगों को तरीका आज मैं बताऊंगा। आप लोग मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो सारी बातें आप लोगों को समझ में आ जाएगी। दोस्तों मेरे विहंगम हेल्थ चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप लोग मेरे वीडियो को यदि अच्छा लगे, मेरे विचार आपको पसंद आते हों, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल जरूर दबा देना और लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवश्य ही करना। तो दोस्तों चलिए मैं शुरू करता हूँ कि ऊर्जा बचाने का, शारीरिक शक्ति बचाने का, आत्मिक, मानसिक और शारीरिक, इसके क्या अचूक मंत्र हैं, क्या अचूक तंत्र हैं, क्या अचूक तरीके हैं, मैं इस पर प्रकाश डालूंगा। दोस्तों पहला नंबर में आता है, अपने आप ध्यान को केंद्रित करें, एकाग्रचित करें, एक ही दिशा में चलने की कोशिश करें, बार बार दिशा न बदलें। दोस्तों आप यदि आप चाहते हो अपने जीवन में सफल आदमी बने, एक अच्छा इंसान बने, बड़ा इंसान बने, एक बढ़िया आदमी बने, तो आपको इसके लिए ऊर्जा बचाना ही पड़ेगा। और वो ऊर्जा कैसे बचेगा कि आप लोग अपने ध्यान को एकाग्रचित करें, डिटरमाइन, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग डिटरमाइन करें, अपने माइंड को, ध्यान को केंद्रित करें। आपको जो काम करने हैं उसके तरफ ध्यान को केंद्रित करें, सेंट्रलाइज करें और एकाग्रचित होकर के एक ही दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश करें, बार बार दिशा ना बदलें। यानी आपको जो चीज़ पाना है उसके पाने के लिए अपनी सर्वस्व शक्ति लगा दें, सर्वस्व दिमाग लगा दें, सर्वस्व अपनी सारी ताकत ऊर्जा उस पर झोंक दें, तो गारंटी है कि आप अपने एक ही दिशा में जाओगे और आप अपने मंजिल को पालोगे। तो दोस्तों ये ऊर्जा का सबसे बड़ा मंत्र है कि आप अपने पथ को बार बार पटरी न बदलें, एक ही काम के लिए एक ही दिशा में एकाग्रचित होकर के, ध्यान एकाग्रचित कर करके उसको, उसी की तरफ अपने ऊर्जा को खर्च करें, तो अपने मंजिल को पा लेंगे। अतः ऊर्जा बचाने का अचूक मंत्र के भी है, क्या बताया मैं, ध्यान केंद्रित करना, ध्यान को एकाग्रचित करना, एक ही दिशा में चलना, बार बार दिशा न बदलना, पॉइंट नंबर एक। दोस्तों पॉइंट नंबर दो होता है ब्रह्मचर्य पालन। यदि आप चाहते हो ऊर्जा, शारीरिक ऊर्जा, आत्मिक ऊर्जा, मानसिक ऊर्जा, तीनों को चाहते हो आप, मतलब बचाना चाहते हो, इससे शक्ति, इस शक्ति को आप मतलब किसी उचित जगह पर खर्च करना चाहते हो, यानी इसको छिन्न भिन्न नहीं करना चाहते हो, तो ब्रह्मचर्य पालन अपने लाइफ में आप अवश्य ही करना। दोस्तों ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं कि आप अपने पत्नी से भी संपर्क न करो, इसके लिए कुदरत से भी माफ़ है, लेकिन आप अपनी इस मतलब जो पौरुष शक्ति है इसको यत्र तत्र बर्बाद कृपया न करें, इससे बहुत बड़ी हानि होती है, आपके बहुत बड़ी क्षति होती है, आपके शारीरिक, मानसिक, आत्मिक ऊर्जा को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचता है, इससे कई सारी हानियां हैं, कई सारे नुकसान हैं। दोस्तों मैं वो बार आप लोगों का आज नहीं बता सकता, बाद की वीडियो में बताऊँगा, लेकिन इससे बहुत बड़े बड़े नुकसान है। अतः आप ब्रह्मचर्य का पालन करें, गृहस्थ जीवन का उचित तरीके से निर्वहन करें, लेकिन इस ऊर्जा को यत्र तत्र जहाँ तहाँ क्रीज खर्च न करें। दोस्तों पॉइंट नंबर तीन आता है अनुशासित जीवन शैली। दोस्तों आप चाहते हो ऊर्जा को बचाओगे, ऊर्जा को आत्मिक, मानसिक और शारीरिक शक्ति बचाने की कोशिश करते हो, तो दोस्तों आपको अपने जीवन को अनुशासित बनाना ही पड़ेगा, न अन्यथा आप अपने जीवन में न तो ऊर्जा बचा सकते हो और न ही आप एक सफल आदमी बन सकते हो। अतः आप समझते हो ना, अनुशासित जीवन शैली का मतलब होता है कि आपका जीवन एक अनुशासन में, अनुशासनबद्ध तरीके से जीना होगा। जो एक हमारे जो बड़े महापुरुष जिस रास्ते से गए हों, जैसे उन्होंने जीवन शैली निर्वहन किया हो, हमें उनका ही अनुकरण करना चाहिए, अतः इसी का नाम है एक अनुशासित जीवन शैली। अतः दोस्तों मैं समझता हूँ आप लोग मेरी वीडियो को समझ गए होंगे कि अपने जीवन में ऊर्जा बचाने का अचूक मंत्र क्या है, मैंने आप लोगों को समझा दिया, अतः आप लोग समझते हैं मेरी बातों को समझ गए होंगे। और तो आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना, बेल दबा देना, लाइक और शेयर अवश्य करें। चलिए इसका अपना मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।